हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट। पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के 500 एमसीक्यू की सीरीज, जिसमें हम आपको 500 एमसीक्यू जो है करंट अफेयर के मध्य प्रदेश के प्रोवाइड करेंगे। तो ये सेशन पुराने चल रहे हैं और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे पुराने सेशन को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर। चलते हैं, देखते हैं आज का थॉट ऑफ द डे। हम थॉट इसलिए लाते हैं ताकि आपके अंदर क्वेश्चन को देखने के लिए ऊर्जा ऊर्जा विकसित हो जाए और आप जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे और अच्छी तरीके से करें। देखते हैं थॉट ऑफ द डे। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो, जीवन के हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। तो इसी थॉट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आंसर टू लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि अखिल भारतीय चिकित्सा सम्मान समारोह में किसे एक्सीलेंस सर्विस अवार्ड दिया गया है। तो ये मिला है फ्रेंड्स लोकेश, डॉक्टर लोकेश दुबे को। इसका आंसर कुछ लोगों ने सही दिया है। तो अब देखते हैं एमपी के करंट अफेयर्स। आज है 398 नंबर से। इसके पहले हमने 392 जो 97 क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। मुख्यमंत्री आवास मिशन का आयोजन किस स्थान पर किया गया है। तो मुख्यमंत्री आवास मिशन जो है वो आयोजन कहाँ पर किया है, झाबुआ में किया है। इसका आयोजन झाबुआ में किया है। नेक्स्ट है यूरोप में आयोजित विश्व जो फ्रेंड्स झाबुआ के रिलेटेड जो बात है, जैसे कड़कनाथ जो मुर्गा होता है वो वहाँ का उसको जीआई टैग मिला है। यूरोप में आयोजित विश्व रेलवे एथलेटिक स्पर्धा में चक्का फेंक स्पर्धा में अभिलाषा सक्सेना ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो जो चक्का फेंक थी अभिलाषा सक्सेना वो हमारे एमपी की है, उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। पर स्वर्ण पदक जितना बहुत बड़ी बात होती है इसीलिए उनका नाम भी आता है। तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस सेमिनार का आयोजन किसने संयुक्त रूप से किया है। तो ये किया है फ्रेंड्स ए और बी दोनों, इसका आंसर है यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस और सॉफ्ट क्लिक फाउंडेशन, इन दोनों ने साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस सेमिनार का आयोजन किया है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस सेमिनार का आयोजन कहाँ पर हुआ, जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार उन्होंने किया है ये आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है फ्रेंड्स भोरी में, भोरी जो कि भोपाल में है और यहाँ पर पुलिस थाना है और यहीं पर इन्होंने ये साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस सेमिनार का आयोजन किया है। नेक्स्ट है 24.469 कैरेट का हीरा कहाँ प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स आपको पता होगा 24 कैरेट का सोना जो होता है सबसे शुद्ध माना जाता है। हीरे की बात है कि 24.469 कैरेट का हीरा प्राप्त हुआ है। तो ये हुआ है फ्रेंड्स पन्ना से, पन्ना छतरपुर से, पन्ना से। नेक्स्ट है पन्ना से प्राप्त 24.469 कैरेट हीरे की कीमत कितनी है। तो इस हीरे की कीमत है फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए। ये हीरा जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, यानी काफी महंगा है। अब नेक्स्ट है ग्राम सचिवालय की योजना की प्रायोगिक शुरुआत किस जिले से की जा रही है और कहाँ किया गया, यानी कि किस जिले से की जा रही है। तो ग्राम सचिवालय योजना की जो शुरुआत है वो हो रही है फ्रेंड्स इंदौर से। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार 2018 किसे प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए हमने ले लिया है, क्योंकि 2018 के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 2018, 19 और 20 इन तीनों ईयर के क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि तीनों साल एग्जाम नहीं हुए एमपी के। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कृपा शंकर बिश्नोई, इनको राष्ट्रीय मीडिया रत्न पुरस्कार दिया है। और माणिक वर्मा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त है। तो इनको मिला है फ्रेंड्स रामनाथ गोयनका पुरस्कार और सूर्यकांत निराला पुरस्कार इनको मिला है। तो फ्रेंड्स माणिक वर्मा तो हमारे बीच नहीं रहे लेकिन उन्होंने ये दोनों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय कहाँ खोला गया है। तो गौ चिकित्सालय खुला है मध्य प्रदेश का पहला खंडवा में, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा प्रारंभ स्कूल ऑन व्हील में किसके स्कूल शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो स्कूल ऑन व्हील तो नाम से स्पष्ट आपको हो रहा होगा, तो ये किसकी शिक्षा पर जोर दिया है। तो ये दिया है फ्रेंड्स बंजारा जनजाति जो होती है वो एसटी में आती है और इनको स्कूल शिक्षा अच्छे से प्राप्त नहीं होती, तो इनके लिए स्कूल ऑन व्हील जो है योजना चलाई गई है। नेक्स्ट है सीनियर विश्व कैनो सलालम प्रतियोगिता में स्पेन में कितने प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेंगे।
तो कितने प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो ये है फ्रेंड्स पांच, पांच प्रदेश के पांच खिलाड़ी भाग लेंगे। नेक्स्ट है, स्वच्छता ही सेवा अभियान मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये है इसका आंसर 25 सितंबर से, और कुछ इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने हेतु इंदौर प्रशासन द्वारा कौन सा ऐप तैयार किया गया? तो इंदौर प्रशासन ने एक ऐप तैयार किया है जिसमें जो केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य की सरकार है स्टेट गवर्नर, उनको योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो, तो उनके लिए ऐप शुरू किया है इंदौर सरकार ने। तो ये किया है प्राप्ति ऐप, इंदौर प्रशासन के द्वारा प्राप्ति ऐप एक चलाया गया है। नेक्स्ट है, स्टेट हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्टेट हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, आठवीं नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है आठवीं नेशनल ड्रैगन बोट चैंपियनशिप का आयोजन? तो ये हुआ है फ्रेंड्स भोपाल में। भोपाल में जो बड़ा तालाब है वहां पर ये हुआ है। नेक्स्ट है, हाथी महोत्सव का आयोजन किस टाइगर रिजर्व में किया गया है? हाथी महोत्सव का आयोजन हुआ है फ्रेंड्स बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग के द्वारा 2016 से 18 शिखर सम्मान हेतु हिंदी साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया है फ्रेंड्स उपरोक्त सभी, यानी कि जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो शिखर सम्मान हिंदी साहित्य का पुरस्कार दिया है वो दिया है स्वयं प्रकाश, नरेंद्र जैन और शशांक को। नेक्स्ट है, आदिवासी और लोकसभा संबंधित 2016 से 18 का शिखर सम्मान किसे दिया है? तो आदिवासी और लोकसभा से संबंधित का पूछा है, तो ये मिला है फ्रेंड्स इन तीनों को, ललित राम मरावी, लक्ष्मी त्रिपाठी और लाडो बाई, इन तीनों को मिला है। अब पूछा है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मध्य प्रदेश के किस जगह को दर्शनार्थियों द्वारा देखे जाने वाले विश्व के धर्म स्थलों की सूची में शामिल किया है? तो ये किसे शामिल किया है? उज्जैन को। उज्जैन जो है मंदिरों की नगरी है वैसे भी, और वहां पर उज्जैन में जो है महाकालेश्वर मंदिर है और इसी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश नगर पालिका में संशोधन के अनुसार अब नगर पालिका अध्यक्ष और या महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, और अतः महापौर और नगर पालिका का चुनाव किस प्रकार होगा? तो ये होगा फ्रेंड्स जनता पार्षद को चुनेगी और पार्षद महापौर और अध्यक्ष को, यानी जनता जो है वो पहले पार्षद को चुनेगी और जो पार्षद लोग होंगे वो ही महापौर को या वहां के अध्यक्ष को इसका चयन करेगी। नेक्स्ट है, श्रद्धा कश्यप को जेनेवा में वीमेन्स एक्टिविटी इन रूरल लाइफ, मतलब जो गांव की जो महिलाएं हैं उनके बारे में उनको पुरस्कार मिला है उनसे संबंधित जानकारी के लिए, तो 2019 में पुरस्कृत किया है, और ये किस जिले की है? तो ये है फ्रेंड्स धार जिले की, धार जहाँ पे परमार वंश का राजधानी थी और खरबूजा महल भी धार में ही है, तो ये धार की ही है। नेक्स्ट है, इंदौर की दृष्टिबाधित खिलाड़ी सरिता चौरे ने बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है फ्रेंड्स कांस्य पदक, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सरिता चौरे जो है वो दृष्टिबाधित है, ये भी आप याद रखिएगा, और ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जूडो से संबंधित है, ऐसी चीजें ज्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट है, देश के पहले ई वेस्ट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो देश के पहले ई वेस्ट का निर्माण किया जाएगा इंदौर में। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, सीएम कमलनाथ ने भोपाल मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया है, मेट्रो का यह काम 2 चरणों में पूरा होगा, इसके प्रथम चरण को कब तक पूरा करने का निश्चय या लक्ष्य रखा गया है? 2020, 23, 22 या 24, या इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी अगर आपके पास हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, कोरोना से बच के रहिए, थैंक यू।